चालबाज चीन के धोखे से निपटने के लिए अब भारतीय सेना ने मोर्चा संभाल लिया है और भारतीय सेना और आर्टिलरी गन्स को अब चीन से सटी सीमाओं पर तैनात कर दिया गया है। लद्दाख बॉर्डर पर चीन से तनातनी और चीन के दोहरे रवैये के बाद अब भारत चीन से लगी सभी सीमाओं को अलर्ट जारी कर दिया गया है और भारत ने इन सीमाओं पर सैनिकों की तादाद बढ़ा दी है। पूरी खबर आपको बताएं उससे पहले कमेंट में उन जवानों के लिए जय हिंद जरूर लिखें जो इस समय चीन सीमा पर डटे हुए हैं और चीन की सेना से दो दो हाथ करने के लिए तैयार हैं। पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC पर जारी विवाद सुलझाने के लिए जहां एक ओर लगातार बातचीत चल रही है, वहीं चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। चीन ने लद्दाख से अरुणाचल प्रदेश तक करीब 4000 किलोमीटर लंबी LAC पर बड़ी संख्या में सैनिक तैनात किए हैं। इस बीच ड्रैगन की चालबाजी से सतर्क भारत ने भी बड़ी संख्या में सैनिक टुकड़ियां हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल के लिए रवाना कर दी हैं। सरकारी सूत्रों के मुताबिक चीन ने न केवल लद्दाख बल्कि हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल में भी LAC पर सैनिकों और हथियारों की तैनाती बढ़ाई है। ऐसे में किसी गड़बड़ी की आशंका से बचने के लिए भारत ने भी LAC के अग्रिम मोर्चे पर सैन्य तैनाती बढ़ा दी है। हिमाचल की रिजर्व ब्रिगेड लद्दाख सेक्टर तक पहुंच गई है। ऐसा कारू में तैनात सेना की तीसरी इन्फेंट्री ब्रिगेड को सहयोग देने के लिए किया गया है। हिमाचल के सीमाई इलाकों में भी अतिरिक्त लड़ाकू दस्ते तैनात कर दिए गए हैं। आपको बता दें कि इसी इलाके में पिछले महीने चीनी हेलीकॉप्टर दिखे थे। उधर उत्तराखंड के हरसिल, बाराहोती, नेलांग घाटी समेत दूसरे सेक्टरों में भी भारतीय सैनिकों की तैनाती बढ़ा दी गई है। ये वही इलाके हैं जहां पर चीनी सैनिकों के पहुंचने से पहले उसके हेलीकॉप्टरों ने उड़ान भरी थी। इसके अलावा चीनी सैनिक पैदल पेट्रोलिंग करते हुए भी दिखे थे। वहीं चिकन नेक से शुरू होने वाले पूर्वी सेक्टर में सैनिकों की ट्रेनिंग ब्रिगेड सुकना बेस की 33वीं कोर और तेजपुर स्थित 4थी ब्रिगेड को तैनात किया गया है। इसके साथ ही 17 माउंटेन स्ट्राइक कॉर्प भी तैनाती के लिए तैयार है। इसके अलावा भारत ने सीमा पर चीन की किसी भी हरकत का जवाब देने के लिए होविट्जर तोप समेत सभी बड़े हथियार तैनात कर दिए हैं। आपको बता दें कि चीन ने LAC पर जैसे ही सैन्य संसाधनों के लिए निर्माण शुरू किया था, उसी वक्त चीनी हेलीकॉप्टरों ने हिमाचल के किन्नौर और उत्तराखंड के बाराहोती में भारतीय सीमा के करीब उड़ान भरी थी। खबर है कि केवल लद्दाख में चीन ने LAC पर 10,000 से ज्यादा सैनिक, भारी टैंक और लंबी रेंज की राइफल समेत बड़े पैमाने पर हथियार तैनात किए हैं। आपको बता दें कि लद्दाख में भारत चीन के बीच अब तक का सबसे लंबा गतिरोध इस वक्त चल रहा है। इसकी शुरुआत 5 मई को हुई थी जब चीन और भारतीय सेना के बीच LAC पर हिंसक भिड़ंत हुई थी। चीन ने लद्दाख सेक्टर और सिक्किम में सैन्य निर्माण शुरू कर दिए थे। सिक्किम में चीनी सैनिक के नाकुला क्षेत्र में आने जाने पर उसकी भारतीय सैनिकों से भिड़ंत हुई थी। अब भारत और चीन के बीच सीमा विवाद खत्म करने के लिए सैन्य कमांडर स्तर की वार्ता जारी रहेगी और उधर बुधवार को मेजर जनरल स्तर की वार्ता में यह तय हुआ है कि आगामी दिनों में चुशुल में विभिन्न स्तरों पर बातचीत होगी। लेकिन दूसरी तरफ भारत ने चीन की किसी भी गड़बड़ी से निपटने के लिए अब LAC पर अपने सैनिकों की संख्या को बढ़ाने के साथ साथ भारी हथियार भी तैनात कर दिए हैं, क्योंकि हो कुछ भी सकता है। दरअसल सवाल यह है कि आखिर चीन दोहरा रवैया क्यों अपना रहा है और ऐसी बात क्यों की जा रही है। दरअसल आपको बता दूं कि एक तरफ जहां चीन बातचीत की बात करता है तो दूसरी तरफ चीनी मीडिया लगातार भारत के खिलाफ जहर उगल रही है। सैन्य तनातनी के बीच सरकारी मीडिया जो कि चीनी का है, चीन का जो सरकारी मीडिया है ग्लोबल टाइम्स, उसने दावा किया है कि चीन ने भारतीय सीमा पर तनाव को देखते हुए अपनी सबसे आधुनिक तोप PCL-181 को लद्दाख सीमा पर तैनात किया है। तो चीनी मीडिया का ये दावा है, ग्लोबल टाइम्स का ये दावा है। ग्लोबल टाइम्स लगातार भारत के खिलाफ जहर उबल रहा है। आपको बता दूं कि ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक इस तोप को हाल ही में चीनी सेना में शामिल किया गया है और चीनी अखबार के मुताबिक चीनी सेना की 75वीं ग्रुप आर्मी की ब्रिगेड ने हाल ही में दक्षिणी सीमा पर हुए समारोह में कई नए हथियारों को शामिल किया था। बताया जा रहा है कि 155 mm की यह तोप है और इसका वजन केवल 25 टन है और इस वजह से इसको आसानी से ऊंचाई वाले स्थानों पर ले जाया जा सकता है। ग्लोबल टाइम्स का दावा यह भी है कि 2017 में डोकलाम विवाद के दौरान भी इन तोपों को तैनात किया गया था। तो एक तरफ जहां चीन बातचीत की बात कर रहा है, एक तरफ कह रहा है कि सीमा पर शांति है, तो दूसरी तरफ उसके सैनिक लगातार बढ़ते जा रहे हैं और तोपों को तैनात कर दिया गया है। हालांकि भारत ने भी, जैसा कि हमने रिपोर्ट्स में बताया, कि होविट्जर तोपों को तैनात कर दिया है, कई बड़े जो हथियार हैं उनको तैनात कर दिया गया है और लगातार सीमा पर सैन्य जो है सैनिक बढ़ाए जा रहे हैं। दूसरी तरफ भारतीय विदेश मंत्रालय का कहना है कि सीमा विवाद को खत्म करने के लिए भारत चीन कूटनीतिक
और सैन्य चैनलों से बातचीत कर रहे हैं। मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव का कहना है कि दोनों देश अपने नेतृत्व के सीमा पर शांति और स्थिरता बहाली के दिशा निर्देशों के आधार पर विवाद को जल्द से जल्द खत्म करने के लिए काम कर रहे हैं। दोनों देशों के आपसी रिश्ते को मजबूती देने के लिए ये बेहद जरूरी है, भारत की तरफ से ये कहा गया है। हालांकि सीमा से दोनों देशों के सैनिकों के वापस हटने संबंधी सवाल पर उन्होंने कोई टिप्पणी नहीं की है कि कब सैनिक हटा लिए जाएंगे। दूसरी तरफ आपको बता दूं कि जैसा कि हमने रिपोर्ट में बताया कि चीन से लगी हुई, जो चीन से सटी हुई जो भी सीमाएं हैं वहां पर सैनिक लगातार तैनात किए जा रहे हैं। अब बात करते हैं चीनी विदेश मंत्रालय की। चीनी विदेश मंत्रालय का कहना है कि भारत से प्रभावशाली बातचीत हुई है और सीमा विवाद से ठीक से निपटने को लेकर सहमति बनी है। चीन का बयान सैन्य कमांडरों की बातचीत के एक दिन बाद आया। इस सवाल पर दोनों देशों ने क्या कदम उठाए हैं, विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता हुआ चुनियोंग ने कहा है कि उन्हें जमीनी स्थिति की जानकारी नहीं है। हुआ चुनियोंग कहती हैं कि मैं इतना कह सकती हूं कि दोनों देश इस मुद्दे को सही तरीके से संभाल रहे हैं। तो चीनी विदेश मंत्रालय का यह बयान है, लेकिन चीनी मीडिया जैसा कि मैंने बताया कि लगातार भारत के खिलाफ जहर उगल रही है। आपको बता दूं कि LAC पर तनाव के बीच चीन ने लद्दाख सीमा को ध्यान में रखते हुए युद्धाभ्यास में अपनी सबसे शक्तिशाली तोप PCL-181 के नए बैच को शामिल किया है। व्हीकल माउंटेड PCL-181 होविजर तोप को चीन के सैन्य बेड़े में उच्च पर्वतीय क्षेत्र की सबसे कारगर तोप माना जाता है। और चीन सरकार के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स ने 75वीं ग्रुप आर्मी के हवाले से इस जानकारी को सार्वजनिक किया है। आपको बता दूं कि पिछले कुछ दिनों से इसी अखबार के हवाले से मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने के उद्देश्य से युद्धाभ्यास के कई वीडियोस भी जारी किए गए हैं कि चीनी युद्धाभ्यास कर रहे हैं। इनमें खासकर दक्षिणी सीमा पर लद्दाख का जिक्र भी किया जाता रहा है और इस बार PCL-181 के एक और बैच को PLA में शामिल करने के लिए इस अखबार में लिखा गया है। इससे पूर्व आपको बता दूं कि डोकलाम में भी PCL-181 तोप को सीमा पर तैनात किया गया था। PCL-181 एक ऐसी तोप है जो बख्तरबंद वाहन के ऊपर स्थापित की गई है और 25 टन की इस तोप को बेहद कम समय में ऊंचाई वाले स्थान पर ले जाया जा सकता है। ऊंचे पठार क्षेत्र में ऑक्सीजन की कमी के बावजूद इंजन पर कम बोझ डालते हुए ये तोप लाई और ले जाई जा सकती है। तो ये तोप तैनात कर दी है। दूसरी तरफ आपको बता दूं कि भेड़ पालकों, जो भेड़ पालते हैं लोग, उनको चीन सीमा पर चुगान की इजाजत दे दी गई है और इस बार कोरोना संक्रमण और सीमा पर तनाव को देखते हुए उन्हें अनुमति मिलने में देरी हुई है और केंद्र की ओर से अब गाइडलाइंस आ गई हैं और प्रशासन ने उन्हें अनुमति दे दी है। आपको बता दूं कि भेड़पालक जो हैं वो हर साल चीन सीमा पर बाड़ा होती, रिमखिम बॉर्डर, माणा पास के गस्तोली तक चुगान के लिए अनुमति लेकर जाते हैं और चमोली जिले के भेड़पालक करीब एक महीने से परेशान थे, अब उनको इजाजत दे दी गई है। आपको बता दूं कि इस साल भारत के क्षेत्र में चीन सीमा पर चुगान के लिए तकरीबन 200 भेड़पालकों ने आवेदन किए हैं और पिछले साल करीब 150 भेड़पालक चीन सीमा पर चुगान के लिए गए थे। केंद्र के नई गाइडलाइंस आने के बाद भेड़पालकों के पास पास बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और अभी तक 84 के पास बन चुके हैं। तो एक तरफ भेड़पालकों को इजाजत दे दी जाती है, दूसरी तरफ आपको बता दूं कि विदेश मंत्रालय का ये बयान आता है कि सब कुछ सही करने के लिए बातचीत की जा रही है। लेकिन आपको बता दूं कि भारत किसी भी गड़बड़ी को, आशंका को देखते हुए, कोई भी गड़बड़ी ना हो, चीन दोहरा रवैया नहीं अपनाए, चीन यहाँ बातचीत की बात करे और अटैक कर दे भारत के ऊपर या भारत की भूमि को हड़प ले, तो इस सब चीज़ों को देखते हुए चीन से सटी हुई जो भी सीमाएं हैं, चाहे वो हिमाचल हो, चाहे वो अरुणाचल प्रदेश हो, चाहे वो उत्तराखंड हो, इन सभी सीमाओं पर सैन्य तैनाती बढ़ा दी गई है। साथ ही साथ होविजर तोपों की तैनाती भी की गई है। इसके अलावा आपको बता दूं कि फाइटर जेट्स भी तैनात हैं चीन सीमा से सटे हुए जगहों पर। अगर कोई भी अनहोनी होती है या अगर चीन आक्रमण करने की गुस्ताखी करता है तो चीन को करारा जवाब दिया जाएगा और इसके लिए लगातार तैनाती की गई है। तो ये चीन से निपटने की प्रक्रिया इस वक्त जारी है। साथ ही साथ आपको बता दूं कि भारतीय विदेश मंत्रालय का ये कहना है कि भारत पहले कोई आक्रमण नहीं करता। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी ये कहा कि चीन से सटी सीमा पर लगातार हम देख रहे हैं, लगातार हालत पर नजर बनाए हुए हैं। साथ ही साथ आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री मोदी भी, ऐसी खबरें आ रही हैं कि 5 मई के बाद लगातार वो हालात पर एक एक खबर का जायजा ले रहे हैं, एक एक खबर को सुन रहे हैं और लगातार सीमा पर जो स्थिति है उससे लगातार रूबरू हो रहे हैं। सेना की जो कमान है, सेना के जो प्रवक्ता हैं, वो लगातार पीएम मोदी से मुखातिब हैं और पीएम मोदी, इसके अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, इसके अलावा सेनाध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे, CDS जनरल विपिन रावत, लगातार मंत्रणा जारी है
सीमा पर निपटने के लिए चीन से। आपको बता दूं कि 2017 में भी चीन ने ऐसी स्थितियां पैदा करने की कोशिश की थी, भारत के साथ दबाव, भारत पर प्रेशर पॉलिटिक्स बनाने की कोशिश की थी 2017 में डोकलाम में, लेकिन तब भी चीन कामयाब नहीं हो पाया था। और इस बार भी ठीक ऐसा लगता है कि चीन भारत पर प्रेशर पॉलिटिक्स करने की सोच रहा है और इसके लिए वो दबाव बना रहा है। हालांकि आपको बता दूं कि 5 मई के बाद से ये सबसे लंबा विवाद है इस वक्त जो लद्दाख में लगातार जारी है। तो मित्रों, खबर को शेयर करें, साथ ही साथ देश से जुड़ा चैनल है ऑफ वीडियोस, चैनल को सब्सक्राइब करें और बराबर में जो बेल आइकन है, जो घंटी का निशान है, उसे जरूर दबा दें। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।